तो यार लोकी सीजन 2 मल्टीवर्स सागर से डायरेक्टली कनेक्टेड प्रोजेक्ट जरूर है, बट ये जरूरी नहीं है कि इस सीजन का विलन कोई कैंग वेरिएंट ही हो। अभी जब मैंने कम्युनिटी पोल कराया था कि तुम लोगों के ओपिनियन में इस सीजन का विलन कौन होगा, तो विक्टर टाइमली से ज्यादा वोट्स ओबी और मिस मिनट्स को मिले हैं। और लास्ट एपिसोड में मिस मिनट्स का जो ठरकी और क्रीपी रूप देखने को मिला था, उस पर शक जाना बनता भी है। एपिसोड के लास्ट में उसने बोला था कि उसे ही हू रिमेंस के सारे सीक्रेट्स पता हैं, और रेंसलेयर के बारे में भी एक सीक्रेट के बारे में उसने बोला था। अब ऐसा क्या सीक्रेट है जो रेंसलेयर को गुस्सा दिला सकता है? तो जो सबसे सिंपल केस हो सकता है कि पॉसिबली रेंसलेयर भी कैंग का एक वेरिएंट हो, जैसे लोकी का फीमेल वेरिएंट सिल्वी है, और रेंसलेयर मल्टीवर्सल वॉर में ही हू रिमेंस के साथ मिलकर लड़ी हो। मल्टीवर्सल वॉर जीतने के बाद ही हू रिमेंस ने रेंसलेयर की मेमोरी वाइप कर दी हो और उसे टीवीए संभालने के लिए रख लिया हो, क्योंकि लास्ट एपिसोड में हम देख ही चुके हैं कि ही हू रिमेंस को पार्टनरशिप पसंद नहीं है। अब ये ऐसा पॉइंट है जिससे रेंसलेयर को काफी गुस्सा आ सकता है, जैसा कि मिस मिनट्स ने कहा था, क्योंकि रेंसलेयर टीवीए संभालते हुए भी एंड ऑफ टाइम के सीडरल में एक सीट चाहती थी। ये डिस्परेशन एपिसोड 3 के शुरुआत में भी दिखती है, जिसको मिस मिनट्स पॉइंट आउट करते हुए बोलती है कि वो विक्टर टाइमली को टीवीए गाइडबुक देने से जो चेन ऑफ इवेंट्स शुरू होंगे, वो उसको और रेंसलेयर को ही हू रिमेंस के साथ जगह देंगे। लेकिन अगर रेंसलेयर को ये पता चले कि मल्टीवर्सल वॉर को जीतने में उसका भी हाथ था और वो खुद भी कैंग वेरिएंट है, लेकिन उससे उसका ये हक ही हू रिमेंस ने छीन लिया, तो रेंसलेयर को तो काफी गुस्सा आएगा, और उसका गुस्सा करना बनता भी है। अब उसके कैंग वेरिएंट होने से 2 पॉइंट और एक्सप्लेन हो जाएंगे लोकी सीरीज के। पहला, जब एपिसोड 1 में लोकी टाइम स्लिपिंग कर रहा था, तो उसने एक सीन में ही हू रिमेंस की रिकॉर्डिंग सुनी थी जो कि रेंसलेयर के लिए थी, जिसमें ही हू रिमेंस रेंसलेयर को मल्टीवर्सल वॉर में उसका साथ देने के लिए थैंक यू बोल रहा है, और ये भी प्रॉमिस कर रहा है कि वो दोनों मिलकर एंड ऑफ द टाइम के सिटाडेल में रूल करेंगे। ये रिकॉर्डिंग रेंसलेयर के कैंग वेरिएंट होने वाली थ्योरी को सीधे सीधे सपोर्ट करती है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ईस्टर एग भी था। तो जब लोकी ये रिकॉर्डिंग सुन रहा था, तो उसको रिकॉर्ड करने की डेट भी लिखी हुई थी, 12 जून 2321, यानी इसी टाइम के आसपास मल्टीवर्सल वॉर खत्म हुई होगी। मतलब जिस मल्टीवर्सल वॉर को कैंग ने जीत कर सेक्रेट टाइमलाइन सेट की, वो प्री यूनिवर्स में 2321 में हुई थी। अब मिस मिनट्स की बात करें, तो वो ही हू रिमेंस के साथ शुरुआत से रही है, और इतने टाइम में उसका एक मोटिवेशन और भी था कि आगे चलकर उसको एक ह्यूमनाइट बॉडी मिलेगी, जिससे वो प्रॉपरली कैंग वेरिएंट के साथ इटर्निटी तक टाइम स्पेंड कर पाएगी। अब यार मुझे ऐसी फीलिंग आ रही कि इस सीजन में, नहीं तो आगे एमसीयू में, मिस मिनट्स को एक रोबोटिक बॉडी जरूर मिलेगी। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि मिस मिनट्स को रेंसलेयर की बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है शो के लास्ट तक, तो देखते हैं क्या होता है। वैसे रेंसलेयर और मिस मिनट्स एंड ऑफ द टाइम में है, तो वहां पर वॉइड भी है और एलाइथ मॉन्स्टर भी है, जिसने मल्टीवर्सल वॉर जीतने में हेल्प की थी, तो हो सकता है किसी तरह से उनका भी टीम अप दिखाया जाए। अब विक्टर टाइमली टीवी पहुंच गया है, जहां पर उसकी टेम्पोरल ऑरा को यूज करके लूम को फिक्स करने के लिए बुलाया गया है। बट इसी चीज को अगर दूसरी तरह से देखें, तो विक्टर टाइमली के इन्वेंशंस के लिए जहां 1893 की टेक्नोलॉजी कम पड़ रही थी, ऐसे में वो बड़े आराम से टीवी पहुंच गया है, जहां उसकी जरूरत की सारी टेक्नोलॉजी पहले से ही अवेलेबल है, और ओबी भी है जिसकी टीवी गाइडबुक पढ़ पढ़ के ही टाइमली बड़ा हुआ है। तो ओबी, जिसके सीक्रेट विलन होने की फीलिंग्स फैंस को सबसे ज्यादा आ रही थी, उसका भी नेक्स्ट मूव अब पता चलेगा। अब कुल मिलाकर देखो तो हर एक कैरेक्टर चेस पीसेस की तरह सेट हो गया है, एग्जैक्ट उसी जगह पर, उनको इंडिविजुअली सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। विक्टर टाइमली टीवी आ गया है ओबी के पास, लोकी और मोबियस ने लूम फिक्स करने के लिए ही हू रिमेंस के टेम्पोरल ओरा यानी कि विक्टर टाइमली का जुगाड़ कर लिया है, और रेंसलेयर और मिस मिनट्स एक साथ सीडाडेल में है, जहां से वो लोग मिस मिनट्स के नॉलेज को यूज कर सकते हैं, और एलायंस जैसे पावरफुल क्रीचर को भी वो यूज कर सकते हैं। बस एक मिसिंग पीस है, सिल्वी। वो कब और किस सिचुएशन में टीवी में एंट्री मारेगी, सारा गेम इसी पर डिपेंड करने वाला है। अब बचे हुए एपिसोड्स को लेकर तुम्हारी क्या थ्योरीज हैं, क्या प्रेडिक्शंस हैं, कमेंट्स में जरूर शेयर करो। तो ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहो ब्लू आई स्फीयर।